राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी। उसमें भी यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो विशेष है। 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं उनका मूलांक 3 होता है। इस वीडियो में नंबर 3 से जुड़ी हुई ऊर्जा का मूलांक 3 वाले लोगों पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, प्रभाव रहता है, उसी की चर्चा करेंगे। कैसा होता है इनका व्यक्तित्व, कौन से कंपेटिबल नंबर इनको सूट करते हैं, लकी नंबर इनके कौन से होते हैं, कौन सा कैरियर इनको चुनना चाहिए, इनके लिए भाग्यशाली वर्ष उम्र के कौन से होते हैं, लकी कलर कौन सा होता है, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन दर्शकों के लिए बता दूं जो मूलांक को नहीं समझते हैं, मूलांक निकालना नहीं जाते हैं, तो उनको बता दूं कि आपकी जो जन्म की तारीख है उसके अंकों को जोड़कर रेड्यूस कर लिया जाता है सिंगल डिजिट में, तो आपका मूलांक निकल आता है। उदाहरण के लिए यदि आपका जन्म 12 तारीख को हुआ है तो 1 जमा 2 किया तो 3 आ गया, और आपका जन्म 21 तारीख को हुआ है तो 2 जमा 1 किया तो भी 3 आ गया। नंबर 3 की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर, जो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं को गाइडेंस देते हैं, ज्ञानी है, धर्म, धार्मिकता, परोपकारिता, लक फैक्टर, धन संपदा, विवेक, ऑप्टिमिज्म, विजडम, प्रोस्पेरिटी, राइटियस पाथ, एक्सपेंशन, वृद्धि, विकास, इन सब के कारक होते हैं देव गुरु बृहस्पति। मूलांक 3 वाले लोगों पर भी इन्हीं गुणों का प्रभाव ज्यादा रहता है। नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति, बौद्धिक क्षमता, जीवन में राइटियस पाथ, सही रास्ते पर चलना, इन मामलों में मूलांक 3 वाले सभी नंबर्स की तुलना में बहुत लकी होते हैं। जिस फील्ड में भी आप होते हैं, ना सिर्फ उसकी बल्कि दूसरे विषयों की भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होती है। सलाह देना इन्हें बहुत पसंद होता है, कहीं गलत हो रहा है तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, गलत होते हुए देखते हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश भी ये जरूर करते हैं। इसलिए जिन लोगों को ये नहीं जानते हैं उन्हें भी सलाह दे देते हैं, और लोगों को इनकी सलाह से फायदा भी बहुत होता है। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ के बारे में बहुत सीरियस होते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, जहाँ भी होते हैं वहाँ के वातावरण में जान डाल देते हैं, अपने टारगेट के बारे में बहुत अनुशासित होते हैं, जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं, और ज्यादातर उसकी प्राप्ति के लिए अच्छा मार्गदर्शन भी इनको मिल जाता है। अपनी भावनाओं को ये कभी छुपा नहीं पाते हैं, जैसे ऊपर से महसूस करते हैं वही इनके चेहरे पर नजर आ जाता है। बचपन से ये शाइनिंग स्पिरिट एक इनके अंदर देखी जाती है। स्कूल के हर प्रोग्राम में मूलांक 3 वाला बच्चा आपको स्टेज पर नजर जरूर आ जाएगा। टीम को लीड करना, बड़े ग्रुप में काम करना, ऐसा काम करना जिससे समाज का, देश का भला हो, इन्हें बहुत रुचिकर लगता है। महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। रिसोर्सेज का, संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे करना है इसके ये मास्टर होते हैं। इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं क्योंकि ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग में भी ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। एनर्जी लेवल इनका हाई रहता है, आसपास के लोग भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। चीज़ों का, सफलता का स्थायित्व तो अगर हो जाए तो वो इन्हें पसंद नहीं आता, हमेशा विस्तारवादी सोच से चलते हैं। दूर दृष्टि इनके सोच में होती है। प्लांड एक्सपेंशन करना इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। मनी फाइनेंस की नॉलेज इनको बचपन से ही बहुत अच्छी होती है। समाज के प्रभावशाली लोगों से इनके लिंक होते हैं, लेकिन ज्यादातर मूलांक 3 वाले अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनएथिकल कार्यों से दूर रहना इन्हें पसंद होता है। मूलांक 3 वालों के लिए कैरियर ऑप्शन, प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरिएट होते हैं, टीचिंग होती है, प्रीचिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, धार्मिक उपदेशक, मेंटोरशिप, ट्रेनिंग, कोचिंग, एचआर डिपार्टमेंट, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, इन सब में आप अच्छा कर सकते हैं। टफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं आप, गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, पुलिस, आर्मी, जुडिशरी, सिविल सर्विस भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। आप एनजीओ भी रन कर सकते हैं। ऐसे करियर ऑप्शन जिनमें एक्सपेंशन के चांसेस हाई होते हैं, जहाँ महत्वाकांक्षा की जरूरत होती है और नॉलेज, ज्ञान की बहुत जरूरत होती है, ये सब प्रोफेशंस मूलांक 3 वालों के लिए होते हैं। मूलांक 3 से जुड़े अवगुणों की बात करें तो मूलांक 3 वाले जितना अच्छा कमाते हैं उतने ही अच्छे से ये खर्च भी करते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट होते हैं, तो इस पार्ट पर आपको काम करना चाहिए। बहुत ज्ञान अर्जित कर लेने पर, बहुत पंक्चुअलिटी को पसंद करना, और ये सब जो गुण है ये बहुत बार आपके व्यवहार में आलोचना को बढ़ा देते हैं, हाइपर क्रिटिकल हो जाते हैं आप, जिससे आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। जल्दबाजी करना भी आपकी कमजोरी होती है। बहुत बार आपका जो वर्कहोलिक एटीट्यूड है उससे आपके निजी जीवन में बहुत परेशानी होती है। आप रिश्तों को समय और अहमियत कम देते हैं। एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी की बात करें, अगर नंबर 3 से जुड़ जाती है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इगोस्टिक हो जाता है। ज्ञान का जो अहंकार होता है ये सबसे बड़ा अहंकार होता है। तब आप बहुत जिद्दी हो जाते हैं। अगर चीज़ें
कोई प्रोजेक्ट आपके अनुसार ना हो तो आप उस प्लानिंग से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। मूलांक तीन वालों के कंपेटिबल नंबर्स की बात करते हैं। कंपेटिबल नंबर्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किन दूसरे मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ आपकी अच्छी बनेगी और किन दूसरे मूलांक वालों के साथ आपके इश्यूज रहेंगे। कंपेटिबल नंबर्स को भी दो तरह से आपको समझना चाहिए, एक निजी जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिटल लाइफ के लिए, और दूसरा व्यावसायिक जीवन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। क्योंकि एक ही मूलांक का व्यक्ति आपके निजी जीवन के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा ना हो। मूलांक तीन वालों के लिए मूलांक एक, मूलांक दो, मूलांक तीन और मूलांक नौ वाले जो होते हैं, ये सभी तरह से अच्छा मैच साबित होते हैं। मूलांक एक सूर्य का मूलांक होता है, तो जो सूर्य की लीडरशिप क्वालिटीज है, एग्रेशन है, उसको मूलांक तीन से विजडम और एडवाइस मिलती है। मूलांक दो चंद्रमा का होता है, तो इमोशंस में गाइडेंस और दिशा का ये सामंजस्य बन जाता है। मूलांक नौ मंगल का मूलांक होता है, उनके साथ ये आइडियल मैच होता है। मूलांक तीन का सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति आपस में मित्र भी हैं। मूलांक चार की बात करें तो मूलांक चार को रूल करता है राहु। राहु के अंदर सडननेस, महत्वाकांक्षा, भ्रम और सिक्रेसी भी होती है, तो बिजनेस रिलेशनशिप इनके साथ आपकी अच्छी रहेगी। रिश्तों की बात करें तो मूलांक तीन वाला यदि मेल है और मूलांक चार वाला फीमेल है तो ज्यादा अच्छा मैच होता है। इस रिलेशनशिप में मूलांक चार वाला जो व्यक्ति होता है उसको मूलांक तीन वाले के साथ जुड़ने में ज्यादा फायदा होता है। मूलांक पांच के साथ मैच करें मूलांक तीन का, तो मूलांक पांच को रूल करते हैं बुध, तो बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस, ये जो चीजें होती है काफी मैचिंग होती है, दोनों नॉलेजेबल भी होते हैं, तो ये मैच भी अच्छा होता है। मूलांक छह के साथ बात करें तो छह को रूल करते हैं शुक्र, खर्चीला स्वभाव, एंटरटेनिंग साइड मैच होती है। विजडम और लग्जरी के बीच एक्सचेंज होता है, बिजनेस रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा रहता है, लव लाइफ और मैरिटल लाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं। मूलांक सात के साथ बात करें तो ये केतु का होता है, स्पिरिचुअलिटी, जेन्युइन थॉट प्रोसेस का मामला, ये सब मैच करता है। निजी रिश्तों के लिए ये अच्छा मैच है, बिजनेस रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा नहीं है। मूलांक आठ के साथ बात करें तो वो शनिदेव का है, वहाँ उनके साथ भी मूलांक तीन वालों का मैच अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं मूलांक तीन वालों के लिए लकी कलर्स की, तो येलो, येलो शेड्स, मैजेंटा, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, ये सब आपके लिए लकी कलर्स हैं। मूलांक तीन वालों के लिए उम्र के भाग्यशाली वर्षों की बात करें कि आपके लिए लकी ईयर्स कौन से होते हैं, तो आपकी उम्र का जो 12वां वर्ष होता है, 21वां वर्ष होता है, 30वां वर्ष होता है, 39वां वर्ष होता है, ये जीवन के महत्वपूर्ण समय होते हैं आपके लिए। इन वर्षों में आपको बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने भी चाहिए। आगे भी जिन वर्षों का टोटल भी तीन आ जाता है, जैसे 48वां वर्ष, 66वां वर्ष, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आपके लिए लकी डेट्स की बात करें तो हर महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख आपके लिए बेहतरीन होती है। इन तारीखों पर भी यदि रविवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, सोमवार आ जाए तो और भी शुभता बढ़ जाती है। मूलांक तीन में भी यदि 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों की आपस में तुलना करें तो 12 तारीख वाले लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है, ये ज्यादा लकी साबित होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं 21 तारीख वाले, तीसरे नंबर पर आते हैं 3 तारीख वाले और सबसे अंत में आते हैं 30 तारीख वाले। ये सीक्वेंस रहता है सफलता पाने का। वैसे भाग्य आप चारों के साथ ही रहता है हमेशा। सक्सेस टिप्स की बात करें मूलांक तीन वालों के लिए, तो लगातार सीखते रहना, ज्ञान को बढ़ाते रहना, सदाचारी रहना आपके लिए सक्सेस की होती है। स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, वारेन बफेट, ये मूलांक तीन के उदाहरण है। अहंकार से आपको जरूर बचना चाहिए, मनी मैनेजमेंट पर भी आपको फोकस करना चाहिए, विशेषकर ओल्ड एज के लिए पर्याप्त सेविंग आपको जरूर करनी चाहिए। अपनी भावनाओं को, इमोशंस को थोड़ा हाइड करना, डिप्लोमेसी से चलना, डिप्लोमेसी के एलिमेंट को बढ़ाना, ये भी आपके लिए काफ़ी जरूरी होता है। आपको हमेशा अच्छे आदमी मिले ये जरूरी नहीं है। अगर नंबर तीन की ऊर्जा मूलांक तीन वालों पर नेगेटिव प्रभाव डाल रही है तो आपको ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेंटल प्रॉब्लम्स और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। तो पीली चीजें जो हैं, हल्दी, चने की दाल, केले, पपीता, इन सब का सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए। हल्दी और केसर का माथे पर तिलक लगाना भी आपके लिए शुभ है। स्नान करते वक्त एक चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान करना, ये भी आपको शुभता देगा। श्री हरि विष्णु की उपासना भी आपको जरूर करनी चाहिए। हर रोज 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जपना चाहिए और इस मंत्र के तुरंत बाद 10 मिनट ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। राम राम।